आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव में कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ का बागी तेवर बरकरार है और उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारा है तो दुर्ग से कार्यकर्ताओं को लाकर काम क्यों नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा बताई तो मुझे नोटिस दिया गया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ के बागी तेवर बरकरार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंच पर मौजूदगी के दौरान रखी थी। उसके बाद उनको जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि हमने पीड़ा बताई तो हमको नोटिस दिया गया है, दुर्ग से ही कार्यकर्ता क्यों नहीं ले आते राजनांदगांव में। और उन्होंने कहा कि सच बोलना गुनाह है तो 100 बार सच कहूंगा। सुरेंद्र दाऊ के अब तीखे तेवर क्योंकि बागी हो गए हैं और वो लगातार बरकरार हैं। कि भूपेश बघेल बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, वो उसमें थोड़ा सा करेक्शन में उन्होंने ये कहा कि कहीं कहीं से आवाज़ आती कि आप भाजपा के लोगों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये सिद्ध कर दें। और राजनांदगांव की जहाँ तक बात है, राजनांदगांव के लोगों ने सदैव मांग करी, अभी चुनाव में भी मांग करी थी कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। आपने बाहर के लोगों को थोपके तो मुझको तो ये लगता है कि ये टिकट जो है राजनांदगांव में भाजपा से सेट करके टिकट बांटते हैं कि हमको कार्यकर्ताओं का ऐसा संदेश है।